कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट उदय सर अर्थात इंटरेस्टिंग स्कोरिंग पे। कैसे हो सभी लोग, क्या आपको लाइव का नोटिफिकेशन आ गया है? एक बार मैं चेक कर लूँ आपको क्लास लाइव है कि नहीं है। अगर लाइव है तो चालू कर देता हूँ। ठीक है, लाइव है। ठीक है चलो, एक बार मैं बिल्कुल सही है। चलिए शुरुआत करा जाए। आपके एयरफोर्स का एग्जाम है, इनफैक्ट आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, या अभी आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं और एक नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो आज मैं आपको ये पूरे अवार्ड एंड ऑनर्स जो है मार्च से लेकर के जुलाई मंथ तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो करा दूंगा और आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करें। ओके चलिए, एक बार ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज दो टेलीग्राम पे लाइव का। नाउ लाइव, चलिए शुरू करते हैं। ओके सभी लोग एक काम करो, पहले पहले इस सेशन को शेयर कर दो। सेशन को शेयर करने के साथ साथ लाइक का बटन दबा दो। हमारे साथ अभी पीयूष दादा जी ठाकरे और कृष्णकांत और हैं आर्यन चौहान, आकाश राजपूत और श्याम वीर भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इस सेशन को फटाक से शेयर कर दो जल्दी से। चलिए शुरुआत करी जाए अवार्ड्स एंड ऑनर। देखिए अवार्ड्स और ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका कल एयरफोर्स का एग्जाम है तो उससे भी एक क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है कि अवार्ड एंड ऑनर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेरे को उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो जाए। इसलिए मैं आपको आज अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 40 क्वेश्चन रैपिड फायर कराऊंगा। जल्दी से शुरुआत करते हैं। विच हैज बैग द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड ओसीओ ओसीओ ग्लोबल द्वारा दुनिया का सबसे नवीन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का खिताब किसको दिया गया है? इन्वेस्ट अबू धाबी को, इन्वेस्ट लुथियाना को, इन्वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को या इन्वेस्ट इंडिया को? तो ये अवार्ड किसको दिया है कमेंट करके आंसर सभी लोग बताओ। बिल्कुल सही, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्ट इंडिया को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के थ्रू ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बैग द कैवेम्प्यू राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफ द ईयर? वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सीतकांत महापात्रा को, राजेंद्र किशोर पांडा को, ब्रजनाथ राठी को या बलराम दास को? कमेंट करके आंसर बताओ फटाक से सभी लोग, है ना। तो भैया अगर आप देखिए, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र किशोर पांडा। हाल ही में राजेंद्र प्रसाद किशोर पांडा जी ने क्या किया है, कैवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया, इनको दिया, कैवेम्पु को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द फुकराओ ग्रैंड प्राइज 2021 का फुकुकाओ ग्रैंड प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? ए आर रहमान को, रोमिला थापर को, पालगुमी सेननाथ को या फिर रामचंद्र गुहा को? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर सभी लोग दो। सर जी ये कौन सा पंछी है क्लास में उड़ रहा है? अरे भाई लाइक तो करो, लाइक का बटन, लाइक का टोला टोटल टारगेट है आज 30। ये देखिए ये जर्नलिस्ट हैं, इन जर्नलिस्ट का नाम है साई नाथ जी। हाल ही में इन साई नाथ जी को फुकुआओ ग्रैंड प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। फुकुआओ ग्रैंड प्राइज किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है साई नाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द अम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज ऑफ WWF इंडिया?
देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल वहीं पे रट लेना। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है WWF है ना, WWF का हु हैज बीन नेम एज द अम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज बाय WWF, WWF के द्वारा फ्रंट लाइन हीरोज का राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया उपासना कामिनी को। किसको बनाया गया? उपासना कामिनी को। ये है उपासना कामिनी। वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्हें हेड बना दिया गया है और इनसे बोला गया कि आप सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखिए और जंगलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पे सौंपी जाती है। नेम द इंडियन हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन प्राइज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप याद कर लो। ये मेरे को उम्मीद है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये बताइए बताइए, नेम द इंडियन हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पर। पिन्नाराई विजयन फिर और ई श्रीधरन, नरेंद्र मोदी या के शैलजा। ये आपने करंट अफेयर की क्लास में कराया था। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में कराए होंगे, वहीं से अगर आपने करंट अफेयर पढ़े तो आपका और ज्यादा फायदा हो जाएगा, बाकी ये रिवीजन हो जाएगा। तो के शैलजा की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये हैं के शैलजा है ना, ये एक आईपीएस ऑफिसर है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं है ना। नेक्स्ट आ जाइए, विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज बीन अवार्डेड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से हाल ही में, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से हाल ही में इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? दिव्या कौशल को, चांदनी शुक्ला को, सुमिता मित्रा को या आनिता बाजवा को। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है सुमिता मित्रा। ये सुमिता मित्रा एक डॉक्टर हैं और हाल ही में इन्हीं को अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट की फील्ड में इन्होंने एक नई रिसर्च करी हुई है इसलिए इन्हें यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। दी मैसेज, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया रितु, बहुत बढ़िया रितु। कौन कौन करेक्ट आंसर दे रहा? आकाश, दीक्षा, आर्यन, श्याम, आदर्श, कृष्णकांत, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। हु हैज वन पुलित्जर प्राइज 2021 इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर एक्सपोजिंग चाइना सीक्रेट। ओहो, आपको उस पत्रकार का नाम बताना है जिसने चाइना के सीक्रेट को, जितने भी सीक्रेट थे उसको रिवील किया है, जो भी परमाणु रिसर्च से लेकर के वो काम कर रहा था है ना। तो उसके लिए उसको पुलित्जर प्राइज 2021 से सम्मानित है ना। हु हैज वन पुलित्जर प्राइज जो होता है ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो पुलित्जर प्राइज होता है 2021 का इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी द्वारा ये उन्हें सम्मानित किया गया है। बताइए किसको? मेघना राजगोपालन को, नील बेदी को, किसे? बिल्कुल सही, किसी कोई नहीं करेक्ट आंसर दिया, मेघना राजगोपालन जी को, मेघा राजगोपालन जी को। हाल ही में इन मेघा राजगोपालन जी हैं, ये एक बहुत बड़ी पत्रकार है और इन्होंने ही क्या किया हुआ है अमेरिका के ऊपर, सॉरी चाइना के ऊपर, जो छुपे छुपे वो क्या कहते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी, इसीलिए इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 20 लाइक्स का टारगेट है अभी के तौर पे और ये क्लास खत्म होते होते मैं उम्मीद करूंगा कि 30 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। ये बताइए, गौतम घोष हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। बताइए गौतम घोष ने हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का प्राइज जीता है जो कि यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है। बताइए कौन सी पिक्चर के लिए दिया गया है? गौतम घोष को हाल ही में कौन सी पिक्चर के लिए दिया गया है? अ डेथ ऑफ दी गूंज, हिमालय से परे, राहगीर या बुधिया सिंह जन्म से रन। तो आंसर है राहगीर। हाल ही में राहगीर को यूके एशियन फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। और अगर आपसे पूछा जाए उस एक्टर का नाम बताओ जिसको ये अवार्ड दिया गया है तो तिलोत्तमा सोमे। अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछ ले यूके एशियन के द्वारा किसे दिया गया है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये इसे दिया गया हुआ है ना, लेकिन पिक्चर का नाम पूछे तो राहगीर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाक से। ये बताओ, आज थोड़ा रैपिड फायर करूंगा क्योंकि अभी 9 बजे आपका वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है एन अकेडमी पे लाइव सेक्शन पे, तो इसलिए डिस्कशन तो मैं बहुत कर चुका हूँ करंट अफेयर की क्लास में, अभी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज वन द बेस्ट एक्टर एट द 2021 एशियन फिल्म फेस्टिवल। 2021 एशियन फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड बेस्ट एक्टर का किसने पाया है? तिलोत्तमा सोमे को, अनुप्रिया गोनेका को, गीतांजलि कुलकर्णी को, दिलनजा ईरानी को? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, तिलोत्तमा सोमे को, अभी मैंने पीछे ही बताया था, यही है आपकी तिलोत्तमा सोमे। इनको राहगीर पिक्चर, इनकी यूके एशियन फिल्म का अवार्ड भी पाई, साथ में ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इन्होंने पाया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ द 2021 पेन प्रिंटर अवार्ड? 2021 का पेन प्रिंटर प्राइज किसने पाया है? इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी तुरंत ही, क्लास के एंड होते ही आपको हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। बताइए 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तिसित्ती, जल्दी बताओ, तिसित्ती डेंजरम्बा ने, बूची एम्बेचेना ने, गुडविन मवारू ने, डोंगजू माजेडा ने? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ फटाक से सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ। आंसर है तिस्ती, बोलो आंसर क्या है? तिस्ती डोंबार्गे। अगर आप ये देखिए, ये है पेन पेंटर, ये पेन पेंटर अवार्ड पेंटर प्राइज जीता था किसने? ये आपके दूसरे देश की हैं, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के एक देश की हैं जिनका नाम है तिस्ती डोंबार्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पेन पेंटर अवार्ड हो गया, बहुत बढ़िया। ये बताइए बाफ्टा ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म, है ना, फिल्म टेक्नोलॉजी एसोसिएशन बोलते हैं इसको। बताइए हु वॉन द बेस्ट ड्रामा अवार्ड द बाफ्टा टीवी अवार्ड्स? ब्रिटिश अमेरिका फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ब्रिटिश अमेरिका फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ये बताओ। रोड किल इनसाइड नंबर वन, आई मे डिस्ट्रॉय यू या सेव मी टू, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन नहीं है, आई मे डिस्ट्रॉय यू। एक पिक्चर इसका नाम है आई मे डिस्ट्रॉय यू, इनका नाम है माइकल कॉरेलिया, सॉरी मिशेल कॉरेलिया, मिशेल कॉरेलिया इस पिक्चर, ये आई मे डिस्ट्रॉय यू की एक्टर हैं, और हाल ही में इसी पिक्चर को क्या किया गया है, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए हु हैज वन द प्रेस्टीजियस 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? बताइए, बहुत अच्छी इन्होंने एक चिंपैंजी की फोटो खींची थी थॉमस विजयन ने, तो हाल ही में थॉमस विजयन को इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। थॉमस विजयन, ये देखिए, ये वाले इस ये बनमानुष की फोटो खींची इन्होंने, थॉमस विजयन ने, तो इसीलिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड विथ WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड? बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक विशेष मान्यता से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल? जल्दी बताओ, लैपटॉप की चार्जिंग डिस्चार्ज हो गई है, मेरे को लगाना पड़ेगा। बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार चार्जिंग लगा लूं लैपटॉप को, एक सेकंड रुकना आप लोग, हाँ रुकना, मैं लगा लूं चार्जिंग पे। हाँ जी,
अभी चार्जिंग लगा ली है मैंने, 2021 का WHO, हाँ, हु हैज बीन अवार्डेड विद द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल, और तो आंसर है हर्षवर्धन। हाल ही में मैं आपको बताऊं, हाल ही में बस अभी जुलाई की बात ही है, जून जुलाई की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको क्या किया गया है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल का अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? वर्ल्ड नो टोबैको डे पे। कब दिया गया? 24 मई को, 24 मई को, 24th of May को ये किया गया। समझ में आया? 24 मई को। अच्छा ये बताओ, न्यू हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ, नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। मनसुख मांडव्या। अरे याद रखना, मनसुख मांडव्या, मांडविया न्यू हेल्थ मिनिस्टर हैं, याद रखना। न्यू हेल्थ मिनिस्टर कौन बने? मनसुख मांडविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हु वॉन द किया बास्केटबॉल एसोसिएशन 6th मैन अवार्ड? हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 6th मैन का अवार्ड जीता है? जॉर्डन कार्लसेक्सन ने, जॉय इलिंग्स ने, डैट्रिक रोज ने, या जालन बोरनसन ने? तो भैया ये एनबीए का 6th, एनबीए नेशनल बास्केट एसोसिएशन है ना, ये किसको दिया गया? जॉर्डन कार्लसेकन को। अगर आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है जॉर्डन कार्लसेकन, ये हैं आपके जॉर्डन कार्लसेकन, याद रखना जॉर्डन कार्लसेकन 6th मैन जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एनबीए 6th। हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी प्रेसिडेंट अवार्ड अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ द हॉकी? हॉकी को प्रमोट करने के लिए हॉकी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, वी कार्तिकियन को, वी कार्तिकियन पांड्या को, या फिर जय चंद्रनानी को, पी एस सी कुमार को, या के एस वासुदेव को? है ना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उनके सचिव है वो, जिनका नाम है वी कार्तिकियन। वी कार्तिकियन ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सचिव हैं ये। अगर आप देखिए लिखा भी हुआ IAS एंड प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लाइक का बटन ठोक दो यार, लाइक कितने हो गए? लाइक केवल और केवल 14 हुए, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैरी कॉम, ये क्वेश्चन आप अगर आप नहीं याद करोगे तो घाटा हो सकता है एग्जाम में। मैरी कॉम ने सेटल किया है विथ विच मेडल एट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो हाल ही में मैरी कॉम ने किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भैया इनको है ना, इनको सिल्वर, सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। ये अगर आप देखिए, ये हमारे देश की मैरी कॉम, मैरी कॉम ने हाल ही में 2021 एशियन गेम जो हुए हैं है ना, 2021 का स्लाइड बहुत मस्त है। अच्छा तो 2021 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, समझे मैरी कॉम ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द UAE गवर्नमेंट अवार्डेड होम विथ इट्स गोल्डन वीजा? हाल ही में यूएई की सरकार ने, यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने किसे गोल्डन वीजा के अवार्ड से सम्मानित किया है? बताइए, महमूद आतिफ असलम, राशिद अली, अनु मलिक, या संजय दत्त? जल्दी से बताओ, और लाइक का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा सकते हो। हमारे ये भैया संजय दत्त, संजय दत्त को हाल ही में यूई का गोल्डन वीजा प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है? तो भैया इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत ये प्राइज उनको दिया जाता है जो लोग यूएई में अपने काम के पर्पस से जाते हैं और अपने काम के लिए ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो भैया ये आपके संजय दत्त अपना वहां पे बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इसीलिए इन्हें यूएई गोल्डन वीजा प्राइस से सम्मानित किया गया।
लाइक का बटन दबा रहे हो, अच्छा जी। और सब्सक्राइब का बटन किसने किसने नहीं दबाया है, दबा सकते हो अगर आपको रेगुलर ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो। नेम द विनर ऑफ द रडल्फ वी सेंडलर अवार्ड ऑफ 20। रडल्फ वी सेंडलर अवार्ड हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है, बताइए जल्दी से बताइए। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी को, है ना। और देखिए आप लोगों ने सुना होगा पेट से संबंधित बहुत सारी लोगों को शिकायत होती है, तो पेट से संबंधित अध्ययन करने वाले डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी को हाल ही में रडल्फ वी सेंडलर सेंडलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक क्या हुआ करते थे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी। इनको दिया क्यों क्या है, क्योंकि इन्होंने एंडोस्कोपी के अध्ययन में बहुत अच्छा काम किया। पेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी क्या होती है कि शरीर में अंदर एक वो डाल दी जाती है रॉड, वो क्या करता है रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पेट में क्या क्या चीजें हैं, कैसी चल रही है, वो सारी चीजों को दिखाता है। तो हाल ही में उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया मैसेज हेल्ड दिखा रहा है, हेल्ड क्यों दिखा रहा है। चलिए ये बताइए, विच इंडियन हैज वॉन द 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियस अवार्ड। 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड किसने जीता है, रघुराम राजन ने, अरविंद सुब्रमण्यम ने, अभिजीत बनर्जी ने या अमृत सेन ने, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, नोबेल प्राइज से सम्मानित अर्थशास्त्र की क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में अवार्ड पाने वाले कौन, ये हैं अमृत सेन ने। अच्छा मेरी फोटो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है जिसकी वजह से आपको हिंदी वाला कंटेंट देखने को नहीं मिलता होगा, तो कल मैं फोटो थोड़ी अपनी छोटी कर दूंगा, ठीक है। अभी कर दूं क्या फोटो छोटी, कमेंट करो एक बार। बोलो कर दूं, चलो नहीं करूं बाद में कर दूंगा, ठीक है। हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पलेटियन अवार्ड प्राइस। 2021 का सम्मानित टेम्पलेटियन प्राइस किसने जीता, सूरत जेम्स ने, बेक बेचमार्क ने, डेविड लिली ने या जेन गुडॉल ने। जल्दी बताओ। ये देखिए ये हैं जेन गुडॉल। ये कौन है, जेन गुडॉल हैं। एक मिनट मैं जेन गुडॉल की फोटो दिखाना भूल गया, आ जाओ पीछे भाई। विनर ऑफ द विनर ऑफ द 2021 टेम्पलेटिन प्राइस डॉक्टर जेन गुडॉल, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बताइए हु हैज वन द आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक। अगर आपको करंट अफेयर का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मॉर्निंग में 8 बजे सेशन चालू रहता है, आप उस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में हर एक चीज डिटेल से बताए हुए हैं। अभी आपका कल एग्जाम है तो इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। हु हैज वन द आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड ऑफ द 2021 बिलियन अवार्ड म्यूजिक, तो आंसर है भैया ड्रेक। ये देखिए ये ड्रेक है, ड्रेक को म्यूजिक की इंडस्ट्री में अच्छा काम करने के लिए हाल ही में बिलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है ड्रेक जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाओ, ये बताओ हु हैज वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड कोरियोग्राफी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी के अवार्ड 2021 किसने जीता, रेमो डिसूजा ने, टेरेंस लुइस को, धर्मेंद्र लियालांडे को, सुरेश मुकुंद को, बताओ जल्दी से बताइए। ये हैं सुरेश मुकुंद जी। किसको मिला है, सुरेश मुकुंद जी। हाल ही में देखिए सुरेश मुकुंद जी को भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी का अवार्ड 2020 का जीता हुआ है। कौन, सुरेश मुकुंद। 2020 में अच्छी परफॉर्मेंस करी है तो 2021 में अवार्ड मिला है।
हु हैज द वन 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, मिलेनियम छोटे नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए सबसे बढ़िया अवार्ड जो दिया जाता है उसको मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज बोलते हैं। हाल ही में इस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड कैलमन को, रॉबर्ट लेंजर एंड लाइनस रॉल्वर्स को, टाइम बर्ड्सली एंड टॉमो सेंटलो को, रिचर्ड फ्रेंट एंड सिनिया। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर कराया था, आपको फोटो देखते ही इतना याद आ जाएगा। शंकर बाल सुब्रमण्यम और डेविड कैलमर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के रहने वाले, इन दोनों लोगों को इस प्राइस से सम्मानित किया गया है। और आप लोग याद करो करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको डिटेल से ये क्वेश्चन कराया हुआ है। हु हैज बीन नेम्ड फॉर द इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल फॉर 2021? 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे नामित किया गया है? प्रकाश जावेकर, रमेश पोखरियाल निशांक, हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी। बताइए। आंसर बेटा है भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री, भारत के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को हाल ही में अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो है उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, ये याद रखना। अब कौन हो गया? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये उड़ीसा के उत्कल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर रह गए हैं। तो मोदी जी का कहना है तो भैया धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से अब इस पद को संभालेंगे तो काम ज्यादा अच्छे से चलेगा। नेम द इंडियन हु हैज वन द विटिले अवार्ड्स। विटिले अवार्ड्स 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? पार्वती बरुआ ने, वाई नुकलु कोयम ने, लोकेश ओहरी ने, रोमलस विटकलर ने। विटली अवार्ड जो होता है देखिए ये फिलहाल जीता है वाई नुकलु कोयम ने। ये वाई नुकलु कोयम जो है देख लो ये इन्होंने तितली की एक नई प्रजाति खोजी है, इन्होंने तितली बटरफ्लाई की एक नई प्रजाति को खोजी है जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। नागालैंड के रहने वाले यू नोकू कोयम जी ने हाल ही में तितली की नई प्रजाति खोजी जिसे बायोडाइवर्सिटी पीस का कॉरिडोर है ना, इनकी बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की वजह से इनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये याद रखना। हु हैज वन द 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ल्ड फूड प्राइज का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? हाँ, अकिन स्वामी अडनिसे को, फजल हसन को, शकुंतला हरक सिंह थिस्लेट को या रतन लाल को। द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट? हाँ बिल्कुल सही बताया, द करेक्ट ऑप्शन इज शकुंतला हरक सिंह थिस्ले। ये देखिए शकुंतला हरक सिंह किंदले हैं, इन्होंने कोविड के समय बहुत लोगों को मुफ्त में भोजन बांटा, लोगों की सेवा करी, चाहे एक देश नहीं कई सारे देश में करी, इसलिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइस के से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? विच कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 की किस कंपनी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? IRDA को, बी भेल को, या IREDA को, या DREDA को। तो अगर मैं बताऊं इंडियन इंडियन रिन्यूएबल RENEWABL रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारत की एक ऐसी ऊर्जा उत्पादन करने वाली ऐसी एजेंसी जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, मतलब जिनको दोबारा से यूज कर सके, ऐसी एजेंसी को हाल ही में IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से IREDA को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन। बहुत बढ़िया, लाइक का बटन कितने लाइक हो गए हैं? 19 लाइक हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि 20 लाइक या 30 लाइक हो जाएंगे आज। हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टीजियस, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुमारो एग्जाम में भी अगर पूछना होगा तो शायद, मुझे लगता है शेख जायद बुक अवार्ड पूछे, हाल ही में किसने जीता था?
तो भैया खेली गुआओ ने, जुगेरा हर्बक्स ने, ईरान मैसूर ने या ताहिरा कुतुबुद्दीन ने? तो हाल ही में ताहिरा कुतुबुद्दीन, हाल ही में ताहिरा कुतुबुद्दीन की किताब जिसका नाम है अरेबियक ऑरेटेशन, इन्होंने इस पे एक किताब लिखी हुई है, मतलब उर्दू पे ये किताब लिखी हुई है, इसीलिए हाल ही में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ताहिरा कुतुबुद्दीन को। बॉलीवुड के एक एक्टर है जिनका नाम है अनुपम खेर, है ना, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो बताइए ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये कौन सी पिक्चर के लिए, उनकी शॉर्ट फिल्म के लिए, हैप्पी बर्थडे, एजेंट ऑफ डेथ या बिट्टू या 11 मिनट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, एक पिक्चर जो है ना अनुपम खेर जी ने बनाई थी। तो बेस्ट एक्टर एट न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी 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 एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा। दो विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म एट दी 11th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? 11वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जंगल करी ने, कान्हा जी ने, पैरासाइट्स ने या फिर अंग्रेजी मीडियम ने? तो हाल ही में भैया जंगल करी ने 11वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। जंगल क्राई, कौन सी पिक्चर? जंगल क्राई, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड ऑन द 93rd एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर 2021? 93rd ऑस्कर 2021 का अवार्ड किसने जीता है, कौन सी पिक्चर ने जीता है? मिनारी ने, नूमालैंड ने, द फादर ने, जुडास ने, किसने जीता है बताइए? नूमालैंड पिक्चर, घुमंतू जिसको बोलते हैं, नूमालैंड मतलब होता है घुमक्कड़। तो हाल ही में द विनर ऑफ द बेस्ट पिक्चर, उसका नाम है नूमालैंड, ऑस्कर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिल्म वन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म 2021? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषाओं का फीचर किया, मतलब सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं को फीचर किया पिक्चर में? तो भैया रसिया की एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था पुगलिया, कौन सी पिक्चर है? पुगलिया। तो हाल ही में इस पुगलिया पिक्चर के विनोद सैम पेटर जो है इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी सारी इसमें लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करी थी, इसलिए इसको बेस्ट लैंग्वेज का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। लाइक कितने हो गए हैं? लाइक केवल 19 हैं यार, अभी भी लाइक 19 है, मुझे लगा था कि 25 तो लाइक हो ही गए होंगे। विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द बाफ्टा अवार्ड 2021? बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जीता? तो आंसर मैं बता ही चुका हूँ, आंसर मैं इसका बता ही चुका हूँ, नूमालैंड, घुमंतू ने ही जीता है। ये देखिए नूमालैंड, जैसिका बर्डर के द्वारा लिखी गई, नूमालैंड, जैसिका बर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हु हैज बीन अवार्डेड बाय द गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से किसको सम्मानित किया गया है? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या आमिर खान? बताओ, जल्दी बताओ। आकाश हो गए, आयुष हो गए, और किसका आंसर आ रहा है? रितु का आंसर आ रहा है, बाकी सब बैठ के चुप्पे चाप देख रहे हैं। आदर्श, करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। हाल ही में अक्षय कुमार जी को गोल्डन ग्लोब ऑनर से सम्मानित किया गया हुआ है, गोल्डन ग्लोब ऑनर से सम्मानित किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। बताइए छत्तीसगढ़ की वीरानी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? हीमा दास, मैरी कॉम, दुति चंद्रा, सानिया नेहवाल? बताओ, जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर है दुति चंद्रा। दुति चंद्रा भारत की बहुत अच्छी धावक है, ओलंपिक में मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक गोल्ड मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा दुति चंद्रा की तरफ से। तो भैया दुति चंद्रा जी को हाल ही में सम्मानित किया गया, किस अवार्ड से? इनको सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये बताइए, हु हैज टॉप्ड द 2021 फोर्ब्स एनुअल वर्सन। ये क्वेश्चन चाहे जितना भी ताकत लगा लो, लेकिन इसको फेविकोल से चिपका लो, चाहे किसी से भी चिपका लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है इसकी। 2021 की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिलियनरीज कौन है, पहले नंबर पे कौन है? तो भैया पहले नंबर पे अमेजोन के फाउंडर जॉफ बेजोस, अमेजोन के फाउंडर जॉफ बेजोस। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बनेगा, अमेजोन के नए सीईओ कौन बन गए? पहले तो जॉफ बेजोस हुआ करते थे, लेकिन अब अमेजोन के न्यू सीईओ जो है एंडी जैसी बन गए। इसको याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि अमेजोन के नए सीईओ एंडी जैसी है ना। फोर्ब्स बिलियनर्स में सबसे पहले नंबर पे जॉफ बेजोस, दूसरे पे इलॉन मस्क, तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, चौथे पे बिल गेट्स। ये बताइए बिस्वा भूषण हरिचंद्र जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिस्वा भूषण हरिचंद्र कहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं, सॉरी कहाँ के राज्यपाल है जिसको कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाँ ये भैया आंध्र प्रदेश के, कलिंग अवार्ड का संबंध उड़ीसा से है, लेकिन ये अवार्ड दिया गया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंद को। और आंध्र प्रदेश के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो उनका नाम वाईएस जगमोहन रेड्डी है, वाईएस जगमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये देखिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंद ने कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत बढ़िया टू यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, ये बताइए हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, रजनीकांत को, इरफान खान को, ऋषि कपूर को या सलमान खान को? 51वां दादा साहेब फाल्के, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं 100,000% है ना, कहने का मतलब है आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रजनीकांत, रजनीकांत जी को हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री के जगत में दिया जाने वाला सबसे अवार्ड है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाओ और कमेंट करके बताओ कि कैसे लगी क्लास। और अगर आपको मेरी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है तो नेक्स्ट क्लास हमारी एन अकेडमी पे एयरफोर्स के वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है, कितने बजे, 9 बजे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने एन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाक से इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप डिफेंस एग्जाम को सिलेक्ट करिए, उसमें आप एनडीए एयरफोर्स नेवी की कैटेगरी को सर्च करिए और सर्च जाकर के वहाँ पे आप क्या करिए, सर्च करिए उदय सिंह चौहान, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको एन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड USC10 यूज़ कर सकते हैं। इस USC10 कोड को यूज़ करके चाहे 24 महीने हो, चाहे 12 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, कितने महीने का भी कोर्स EMI पे ले सकते हैं। अगर EMI पे लेना है 6 महीने का तो 6400 का बैच पड़ेगा, 1067 रुपये EMI। लेकिन अगर आप एक बार में बैच लेना चाहते हैं तो भैया ये आपको हमारा कोड यूज़ करने पे इस समय 20% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10% मेरी तरफ से और 10% एन अकेडमी टीम की तरफ से। 12 महीने का अगर आप इस समय कोर्स लेते हो तो 12 महीने का कोर्स लेने पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, तो आप फ्री ले सकते हो, है ना, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदो, 1 साल का फ्री। अभी 15 जुलाई तक ये प्राइस है, उसके बाद से ये प्राइस बढ़ जाएंगे, 8,000 का है, इसमें आपको 10% मेरी तरफ से डिस्काउंट और 10% एन अकेडमी की तरफ से, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ज्वाइन करो। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप इंटरेस्टिंग स्कोरिंग, ये हमारा टेलीग्राम पेज है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत क्लास के एंड होने के बस 5 ही मिनट बाद ये आपको मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग स्कोरिंग ये हमारा इंस्टाग्राम है जहाँ पे आप मेरे से रूबरू हो सकते हो, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक का बटन करिए, अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अवार्ड एंड ऑनर्स सब में ही एग्जाम में आता है GS का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, प्रदीप आर्यन और कौन कौन, आकाश राजपूत हो गए, रूबी हो गई, रितु हो गए, आर्यन हो गए, कृष्णा, प्रदीप, सभी को बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मिलते हैं सीधा अब 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, चलिए।